अध्यापक शिक्षक मोर्चा संभाग रीवा के बैनर तले हजारों शिक्षकों ने बैठक आयोजित की, जिसमें 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने शासन से मांग की है कि हमारी मांगे पूरी की जाएं। शासकीय शिक्षक संघ प्रांत अध्यक्ष राकेश दुबे ने बताया कि शिक्षक संवर्ग के जितने भी जनाधार वाले संगठन हैं, हम सब मिलकर जिले के मुख्यालयों में रैलियां करेंगे अपनी मांगों को लेकर। इसके साथ ही विभिन्न संभागों में भी रैली आयोजित की जाएंगी। शासन से मांग है कि हमारी सभी मांगे पूरी की जाएं, जिससे जो संगतियां हैं वह दूर हो सके। आइए सुनाते हैं शासकीय शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रांत अध्यक्ष राकेश दुबे का क्या कुछ कहना है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हम लोगों का सम्मेलन है, ये 5 संगठन संयुक्त मोर्चा बना हुआ है 5 प्रांत अध्यक्षों से अध्यापक संवर्ग का। उस अध्यापक संवर्ग के लिए हमारे पूरे मध्य प्रदेश में हर संभाग में बैठक आयोजित की गई है। पहली बैठक हम लोगों की थी सागर में 28 तारीख। ये बैठक है आंदोलन? बैठक है, संयुक्त मोर्चे का बैठक है हम लोगों का आपस में, और कैसे करना है ये बैठक है हम लोगों का। आंदोलन होगा हम लोगों का अगस्त के बाद, या पूरे मध्य प्रदेश में हम लोगों का जो समय निर्धारित किया गया बैठक का प्रत्येक संभाग। कौन कौन सी मांगे हैं आप लोगों? हम लोग करीब 11 मांगे हैं, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति से लेके, वरिष्ठता लेके, पुरानी पेंशन लेके, क्रमोन्नति लेके, आज तक सीएम साहब। पुरानी पेंशन क्या है? हम लोगों को नई पेंशन दिए हैं, जो नेशनल एनपीएस है उसमें हम लोगों को बेनिफिट बिल्कुल नहीं है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसका ये मानिए कि 1000 से और 2000 तक रुपए प्रति माह मिलती है, उस दायरे में हम लोग आते हैं नई पेंशन वाले। रिटायर होने के बाद आपको एक साथ एक मुश्त पैसा दे दिया जाएगा? कुछ नहीं दिया जाता, जो मेरा फंड कटता है वो कोई नई स्कीम के तहत उद्योगपतियों को दे दी जाती है, जो शेयर मार्केट होगा उसके अनुसार जो ब्याज होगी उसमें भी कटौती कर। कब से जारी होगा हम लोगों का आंदोलन? ये बैठक होने के बाद अगस्त में, 20 अगस्त के बाद अनिश्चितकालीन धरना होगा हम लोगों का। मध्य प्रदेश व्यापी रहेगा? मध्य प्रदेश में पूरे 11 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन, सभी जिले में रैली होगी, हर जिले में रैली होगी, और इसके बाद अगस्त के बाद से पूरे मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा अगर मेरी मांगे पूरी ना हुई। देखिए ऐसा है, ये धरना प्रदर्शन नहीं है हमारा, ये मध्य प्रदेश के जितने भी जनाधार वाले हमारे संवर्ग के संगठन हैं, राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए अध्यापक संवर्ग के, उनमें से 5 संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा अपना बनाया हुआ है, और हम 5ों ने एक कार्यक्रम चाकआउट किया है। उस कार्यक्रम के तहत हम मध्य प्रदेश के समस्त संभागों में एक एक दिन की बैठक कर रहे हैं। ये आज हमारी संयुक्त बैठक है जो आपके रीवा संभाग में आयोजित होने जा रही है। इसके बाद हम 11 जून को प्रत्येक जिले में, जिला मुख्यालय में अपनी एक रैली करेंगे, और इसके बाद हमारे आगे के संभाग हैं, इंदौर है, ग्वालियर है, और आगे कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे। हमारी 11 सूत्री मांग को लेकर के ये हमारा कार्यक्रम चाकआउट हुआ है। हमारे सबसे पहली जो मांग है वो है कि राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए अध्यापक संवर्ग के सेवा अवधि की गणना उसके प्रथम नियुक्ति दिनांक से करते हुए उसकी वरिष्ठता मान्य की जाए। मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर स्कूल शिक्षा विभाग की जगह एक दूसरा प्रकोष्ठ उसका बना दिया, राज्य शिक्षा सेवा। हम लोग 25 वर्षों से लड़ रहे थे मूल शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए, तो संविलियन तो नहीं किया, राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति कर दी, जिससे 1 जुलाई 2018 के पहले की जितनी हमारी वरिष्ठता थी वो शून्य हो गई, उसको गणना से बाहर कर दिया, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अंदर हमारे संवर्ग की क्रमोन्नति नहीं हो पा रही है। राज्य शिक्षा सेवा में उन्होंने कहा था कि नियमित शिक्षकों के भांत सुविधाएं मिलेंगी, तो ग्रेजुटी का लाभ नहीं हो पा रहा है, पुरानी जो पेंशन है वो हमको नहीं मिल पा रही है, अनुकंपा नियुक्तियों में इतने नियम लगा दिए कि अनुकंपा की जगह वो योग्यता हो गई है, तो इन सब के विरुद्ध। और एक सबसे बड़ी चीज हमारी जो है, रीवा संभाग के अंदर रीवा और सतना, इन जिलों में हमारे लगभग 700 के लगभग हमारे साथी हैं जिनकी राज्य शिक्षा सेवा में बेवजह नियुक्तियां रोकी गई हैं, उनकी भी नियुक्तियां हों, ऐसी 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम हमारा जो हो रहा है उसमें आज हम रीवा संभाग में हैं। इसके बाद हम अगले आगे बढ़ेंगे। अगर मौजूदा सरकार में आपकी बातें नहीं सुनी जाती तो आप सरकार बदलने पर मजबूर होंगे क्या? देखिए भैया, हम एक बहुत साफ बात बताते हैं, हमारा जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है मीडिया हमसे केवल ये पूछता है क्या आप सरकार बदलेंगे। हम बार बार कह रहे हैं हम सरकार बदलने के लिए, हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं निकले हैं। हमारी जो व्यवस्था गलत है सरकार की, सरकार के ऊपर जो अफसरशाही हावी है,
मुख्यमंत्री जी बोलते कुछ हैं, अधिकारी करते कुछ हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकले हैं। सत्ता परिवर्तन काम आम जनता का है। हम तो चुनाव में वोट डालने डलवाने चले जाएंगे, पेटी ढोएंगे, मशीन ढोएंगे। सत्ता परिवर्तन आम जनता जाने, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होती आपकी बैठकों से? आप सब मीडिया से जुड़े लोग हैं, हिंदुस्तान के अंदर प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है ये। इस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और गर्मी की छुट्टी है इसलिए हम आज यहाँ पे वर्किंग डे जो 7 तारीख है उसमें है। हमारा हर कार्यक्रम रविवार को होगा। हम कहीं से भी, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो हमारा सिद्धांत यही है कि पहले हमारा कर्तव्य हो, इसके बाद। मैं एक चीज बता दूं, हम लोग तो ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन 3 चीजों में हड़तालें नहीं होनी चाहिए, इनमें यूनियन नहीं होनी चाहिए। हम हर चीज में सरकार के साथ हैं, पर इसके लिए सरकार को भी हमारे साथ होना होगा। सरकार हमारा दोहन करे और इसके बाद हमसे पूछा जाए कि आप हल्ला आंदोलन क्यों कर रहे हो। आप बताइए, यदि हम हल्ला मचाने में, रोने में, वातावरण में प्रदूषण होता है, पर कोई हमको मारा है और हम रोए भी ना, ये नहीं होता। यदि मारोगे तो रोना तो पड़ेगा जी। ये कई वर्षों से आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो मांगे हैं वो अभी तक नहीं पूरी हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग 25 वर्ष हो गए हमारी सेवाओं को, 25 वर्ष से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बातों को सरकार के सामने रखते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की सरकारें, और सत्ता में बैठे लोग संवेदनशील होते हैं। दिक्कत ये होती है कि जिन वर्षों में अफसरशाही सत्ता के ऊपर हावी हो जाती है, उस समय जो आदेश होते हैं वो हमारी सेवाओं के, हमारे जो सुविधाएं हैं उनके प्रतिकूल होते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है, हम 2007 में जब शिक्षा कर्मी संविदा और गुरुजी से अध्यापक बने थे, हमारी सेवाएं बढ़िया निरंतरता में हुई थी, हमारा वेतनमान अच्छा हुआ था। पर अब जो हो रहा है उसमें ऐसा लगता है कि सरकार के ऊपर अधिकारी हावी है। मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, सरकार ऐसा हमारे अधिकारी आदेश कुछ और कर रहे हैं, ये स्थितियां पैदा हो रही है। तो जब जब सत्ता के ऊपर अफसरशाही हावी हुई है, नुकसान दोनों का हुआ है, कर्मचारियों का भी और सरकार का भी। मैं राकेश दुबे हूँ, शासकीय शिक्षक संगठन का प्रांताध्यक्ष हूँ, और मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारा अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा बना है उसका मैं सदस्य हूँ। मेरे साथ में जो बैठे हुए हैं आप राज्य शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष सम्मानी राकेश नायक जी हैं, अभी हमारे 3 प्रांताध्यक्ष रास्ते में, वो भी आ रहे हैं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।